योना के जाने का टाइम आ गया, उसको लेने आए हैं और वेली को लगा हुआ है ताला। उस दिन भी आए थे, ताला लगा था, अभी भी आए हैं और ताला लगा होगा। वो घूम रहा है, ये है अपना योना, वो देखा उस, वो घूम रहा है, ये वाला है। उसे पता चल गया, ले लिया। लाहौर जाने के लिए गाड़ी आ चुकी है, इसमें सारा सामान पैक करने लगे हैं। मतलब नीचे सारा कुछ पैक कर दिया, अब पैक सारों को बंद कर दिया, अब गाड़ी में सिर्फ इनको लोड करना है और मेरी हेल्प करेंगे कारी साहब और भाई, अभी मेरी हेल्प करेंगे इन सब कुछ लोड करवाने में। मैं सही से बात नहीं कर पा रहा क्योंकि मैं फुल थका हुआ हूँ, काफ़ी टाइम से लगा हुआ था इनको बंद करने के लिए। ये देखें उसको सब कुछ बंद कर दिए, यहाँ पे मुर्गे पैक किए, नीचे हमारी डकीज, हेलो डकीज, कैसी हो जैकू। कैटोस को भी बंद नहीं किया, कैटोस को भी थोड़ी देर तक बंद करता हूँ, जब सब कुछ बंद करके रख लेंगे ना लास्ट में हम कैटोस को रखेंगे, और कबूतरों को भी बंद है, बस यहाँ से उठाना और शिफ्ट करना है। सब कुछ चला गया, यहाँ पे शोर ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे हमारे कुछ अच्छे दिन गुजरे, कुछ बुरे दिन गुजरे और बहुत मज़ा आया है। मतलब अच्छे, मतलब हमारे करण अर्जुन गए, उसकी वजह से मैं काफ़ी सैड हो गया, व्लॉगिंग का मज़ा भी नहीं आया, रेगुलर मेरा व्लॉग भी नहीं आया, तो एक बैड मतलब दिन भी गुजरे और अच्छे दिन भी हमारे गुजरे। तो दोस्तों आज ये सारी जगह खाली हो चुकी है, हर तरफ आवलों को गंद ही गंद नज़र आ रहा है। ये देखें, ये सब कुछ साफ़ करेगा सुबह फरहान, जो लड़का यहाँ पे होता है काम करता है, सब कुछ लेके चले गए हैं, सिर्फ एक फीमेल नहीं लेके गए, जो लैला की पपी हमारे पास थी, ये वाली। इधर होना बच्चे, आपका यही कह रहे हैं आपसे, आपने यहाँ पे रहना है। मामू ने मुझे कहा था कि यार ये यहाँ पे छोड़ जाना, इसको हम यहाँ पे अपने पास रखेंगे, जब सब बैठे एक साथ चले जाएंगे तो हमें बुरा लगेगा, तो एक ये उन्होंने शौक से बोला था ये यहाँ पे रहने देना, तो आज से ये इसका भड़ा घर है ये सारा, अभी वो आके साफ कर देगा। ये देखें दोस्तों, ये नीचे से गंदा हुआ है, अभी वो थोड़ी देर तक आके साफ कर देगा इसको। अपना ख्याल रखना सुने, अपना ख्याल रखना, टेंशन वाली तो बात नहीं है क्योंकि ये अपने घर में है, तो जब मर्जी हम देखना चाहें इसको देख सकते हैं, और ये सारा एरिया आज से इसके यहाँ पे जिधर मर्जी ये घूमे। आज ये थोड़ी सैड है, ये देखें मेरे पीछे आ रही है, सैड इसलिए है क्योंकि अचानक ये अकेली हो चुकी है, तो कोई बात नहीं, इसने 3 से 4-5 दिन तक इसने यहाँ पे फ्रेश हो जाना है। वो देखें मुझे कैसे देख, बच्चे बाय, अपना ख्याल रखना, ये देखें दोस्तों कैसे देख रही है, क्या हुआ है, चलेगी। ये सिर्फ अकेली, एक इसका जो भाई था जो लैला की, जो सेम लैला की तरह था मेल, वो तो मैं साथ ही लेके जा रहा हूँ, ये भी मैंने साथ रखनी थी क्योंकि मैंने सोचा था कि एक मेल फीमेल मैं रख लूँगा, तो मामू ने फिर एंड टाइम पे मुझे कह दिया कि नहीं यार वो रहने दो, वो मैंने रखनी है, मामू ने वो शौक से रख ली और फिर मैं एक ही लेके जा रहा हूँ। सारा सामान लोड कर दिया हुआ है और बस थोड़ा रेस्ट करना है, पानी शानी पीना है और उसके बाद हमने निकलना है। जी भाई जी, बस लोड हो गया, थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर सफ़र की तरफ निकलते हैं। पता था इसने यहाँ से देख रहे हो ना मुझे, हेलो बच्चे, यहाँ से ये खड़ा हो गया नीचे, वो टांगे नज़र आ रही हैं, होम स्वीट होम। दोस्तों रात को घर पहुँच गए थे, मैक्स पीछे हो यार, पीछे हो जा, रात को इसको ऊपर छत पे खुला छोड़ दिया था, 2:30 बजे हम लोग पहुँचे थे ऊपर, सामान चलाते चलाते बस हो गई थी, कबूतरों को यहाँ पर रख दिया था, और ये देखें इनके लिए ये सेटअप बना दिया था रात को ही, डक्स नीचे, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर यहाँ पे, और नीचे हमारी गियोना अकेली। रूम में से सारे पिंजरों को
बाहर निकाल दिया था क्योंकि इसके अंदर हम रखने लगे हैं कुछ और। जाने से पहले यहाँ पे सब कुछ था, इधर बड़ा पिंजरा था, इधर कबूतरों का सारा पिंजरा था, इधर को मैक्स को बांधते थे, मतलब यहाँ पे सारे बच्चे एक साथ रहते थे, हमारी डक्स, हमारे करण अर्जुन जो मुर्गे चोरी हो चुके हैं वो, उसके अलावा कबूतर, सब कुछ उस रूम में था। वो सब कुछ निकाला है, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। ये अब यहाँ पर आ करेंगे क्योंकि बाहर मौसम अब काफ़ी हद तक ठंडा होने लग गया है और कुछ दिन लगेंगे प्रॉपर ठंडा हो जाएगा, इसलिए इनको बाहर शिफ्ट कर दिया। ये अब यहाँ पर आ करेंगे, एक तो इनके पास खुला पिंजरा है, एक पेड़ के लिए ये इनफ है, अच्छा खासा बड़ा पिंजरा है। और इस साइड पे साफ़ वगैरह तो कर दिया है, वो सामने पिंजरे जो अंदर से निकाले हैं कुछ वो यहाँ पे बांध दिए हैं क्योंकि इसके अंदर भी मैं सोच रहा हूँ हम कुछ ना कुछ रखेंगे। ये एक दो तीन चार पाँच, पांच पिंजरों में कुछ रखेंगे। और जाने से पहले, ये सारा हमारे एलेक्स का घर था, एलेक्स को तो आप अच्छे से जानते होंगे, तो एलेक्स के घर के अंदर सारा गंद रख दिया था, मतलब जो डब्बे शब्बे पिंजरे शिंजरे जो चीज़ें थी वो इसमें शिफ्ट कर दी थी। इसको अभी खाली नहीं किया, इसको खाली करके मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हम एक अपना बच्चा रखेंगे, वो रखेंगे लैला का ये वाला पपी। हेलो बच्चे, इसके लिए वो सारा घर मैं खाली करने लगा, आज तो नहीं कर रहा लेकिन एक दो दिन में इंशाल्लाह वो खाली कर देंगे। उसके अंदर सिर्फ हमारा रहेगा ये वाला बच्चा। हेलो, इसका भी नाम कोई नहीं रखा, इसका नाम बताएं, ये कितना क्यूटी है। हेलो, आजकल इसकी दोस्ती इसके साथ है, मतलब जब से ये आया है, पहले तो ये अपनी बहन के साथ रहता था जिसको हम वहाँ पे छोड़ आए हैं, जो बेचारी अकेली हो गई है, ये उसके साथ रहता होता था और अब ये बेचारा अकेला हो गया। अब ये कल रात से ना इसका दोस्त बन के घूम रहा है ना। ये बच्चा तेरा दोस्त है, इसको अपना दोस्त बना के रखना है, इसको कुछ कहना नहीं है क्योंकि ये बेचारा अकेला हो गया। पीछे तो नहीं बेचारा, वो ये कहाँ से आ गई दोस्त, ये देख के। कल जो हम लेने गए थे, कल तो नहीं, आज 3 से 4 दिन हो गए हैं हम लेने गए हुए थे, लेके हम आए अपने मैक्सी की पार्टनर, ये हमारी लेमन, ये हमारा मैक्स, लेमन मैक्स नाम अच्छा रख लिया ना, इसका नाम तो पहले से लेमन, ओ सॉरी मैक्स था। मैक्सी, तेरी पार्टनर कैसी है यार, तू फिर भी इतना शहड है, नहीं तेरी पार्टनर आ गई है, तू शहड क्यों है। अच्छा दोस्तों, इसका सीन ये है, ये हम बहुत दूर गांव से लेके आए हैं, इसकी कंडीशन इस टाइम बहुत ही ऑफ है, हालत इसकी टाइट हुई है क्योंकि ये बहुत मतलब गंदी जगह पर रह रही थी, गंदी मीन्स के मतलब इसके लिए जो गंदी थी, आसपास एक हवेली में रह रही थी, वहाँ पे गोबर वगैरह वो आपने उस व्लॉग में देखा होगा, मतलब भैंसें वगैरह थी उसी जगह पे ये रह रही थी, और भाइयों ने जितनी केयर वो कर सकते थे उतनी की उन्होंने केयर, लेकिन उनसे ये प्रॉपर कवर नहीं हो पा रही थी। इसकी हालत देखें, ये सेम ब्रीड है दोनों, और ये तो क्या कर रही है, हेलो क्या हुआ, ये ऐसे क्यों कर रही है, मुँह को क्यों हिला रही है ये। अच्छा इसके ना मसला पता क्या, मैक्स एक मिनट साइड पे हो, मैक्स साइड पे हो यार, एक मिनट इधर आओ मैक्स, लेमन। अच्छा अभी इसको नाम का नहीं पता, ये मैंने रखा है, वो भी फनी एक दूसरे के साथ हम बात कर रहे थे, तो मामू कहते हैं वहाँ पे, मामू कहते हैं यार वो मैक्स है, इसका नाम लेमन रख दो, लेमन मैक्स हो जाएंगे दोनों। तो ये एक पेयर माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा बन चुका है, इसकी हालत में इस टाइम काफ़ी मतलब ख़राबी है, वो लड़ते नहीं है पागलो, लेमन बड़ी गुस्से वाली है, मैक्स उसके पास आता है, मैक्स को ना वो गुस्सा करती है, खेल रहे हैं लड़ नहीं रहे, ये एक दूसरे के साथ मस्तियाँ कर रहे हैं। लेमन बड़ी तेज़ है, लेमन ये तो क्या कर रही है, जानबूझ के उसको तंग करती है, वो फिर आगे से ना चिढ़ता है, ये देखें। अच्छा कर लो तुम लोग, ये इस तरह अब खुश हो चुके हैं, वो देख, और छोटा डॉन भी इनके साथ पंगे ले रहा है, इसका नाम छोटा डॉन ना रख दें, छोटे डॉन नहीं बल्कि इसका नाम आप लोग बताएं, आप लोगों की सुन के रखना है, जो आप लोग बताएंगे इसका नाम हम वही नाम इसका रखेंगे। ओके बच्चे, तेरा नाम YouTube फैमिली बताएगी, फिर हम रखेंगे, फिर डिसाइड करेंगे। अच्छा यार, मैंने अभी तुम लोगों का बताना है, तुम लोग आपस में मस्तियाँ कर रहे हो, एक मिनट मैक्स रुक जा यार, रुक जा, तू बैठ जा, बैठ जा ओ शर्म कर। अच्छा बाज नहीं आ रही, इतने ये मस्ती में है। अच्छा मैं ना बैठ के आपको इसका सारा सीन बताता हूँ, इसका सीन ये है, इसके कानों के अंदर ना वो देख, इसके कानों के अंदर ना एक मसला है, ये नहलाते हुए ना इसके कानों में पानी चला गया था, पानी जाने की वजह से इसके कानों के अंदर हो गया थे जख्म होने की वजह से उधर पड़ गया रेशा इतना ज़्यादा हो गया कि इसके कान खराब होने लग गए थे, और इसके बाल जो है ना ये सेम यही ब्रीड है, 110% सेम है, इनके कलर सेम है, इनके बॉडी स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ ये इसलिए वीक लग रही है क्योंकि एक तो इसकी कटिंग हुई है, इसकी टेल देखें, टेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बाल हैं, लेकिन बाकी ये फ्रेश नहीं है अभी, इसके बाल सर्दियों तक तकरीबन आ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। इस जहाँ जहाँ पे मैक्स के बाल हैं, ये देखें, मैक्स के कानों पे बाल, इसके भी यहाँ पे कानों पे बाल, इसकी यहाँ पे बाल, और मैक्स के भी, मैक्स अपने बाल दिखा, जहाँ जहाँ पे एक दो, यार तुम लोग ना, अच्छा मैं जा रहा हूँ, बाहर में जाओ, तुम लोग जाओ बाहर में, मैं जा रहा हूँ।
नहीं, उन्होंने मेरी किधर सुननी है आपस में। वो ये बड़ी तेज है लेमन ना, फ्रेश जब आई थी ये, तब इतनी ये सुस्त, इतनी ये सैड, इतनी इसकी हालत खराब। हालत तो इस बेचारी की अभी भी आप लोगों को नजर आ रही होगी, खराब है। तो इंशाल्लाह ये अब हमारे पास रहेगी, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी, पहले से काफ़ी ज़्यादा रिकवर हो गई है। इसको मैंने नहला भी दिया था, जो कि आप लोगों ने नहीं देखा, मैंने ऑफ कैमरे में इसको केयर शेयर जो मैं कर सकता था इसको नहला भी दिया, इसकी केयर भी अच्छे से कर दी। तो ये फीमेल थी जो आप लोगों ने देख ली है। अब आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आपको हमारी लेमन कैसी लगी, लेमन का नाम कैसा लगा है। लेमन मैक्स अब एक साथ रहा करेंगे, ऐसे ही ये लोग मस्तियाँ किया करेंगे। इसके काम देखे कैसे उन पर गुस्सा कर रहा है, और उन्होंने तुझे मिनट में पकड़ के खा जाना है, वो देखे उसकी मस्तियाँ। छोटा डोन कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा ये आप लोगों ने कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को ये पेड़ कैसा लगा। अच्छा कबूतरों ने अब यहाँ पे रहना करना है, कबूतरों का यही घर है। ये लाने में मेन मसला हो रहा था, इसकी वजह से हमने गाड़ी चेंज करवाई थी। पहले लास्ट टाइम हम जब गए थे एक डब्बे में चले गए थे, क्योंकि तब ज़्यादा पिंजरे नहीं थे, एक ये पिंजरा था और एक पेरेंट्स का पिंजरा था, तो ये हम जाते हुए आराम से ले गए थे। आते हुए बड़ा मसला हो रहा था, ये ज़्यादा बड़े पिंजरे थे, इनके लिए बड़ी पिकअप करवानी पड़ी, तो फिर ये सब कुछ आया। तो कबूतरों का अब यही सेटअप रहेगा, कबूतर हमारे बाहर ही रहेंगे। इन पिंजरों के अभी दरवाजे बनने वाले हैं, दरवाजे भी इंशाल्लाह आजकल में। अब यहाँ पे मुझे काम करने में मसला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इजी हो गए छत पे, क्योंकि इनको हमने ज़्यादा हिलाना नहीं है, एक जगह भी रखना है, वो जगह इनकी यही है, क्योंकि ऊपर शेड है। अगर बारिश वगैरह हुई, शर्म करो यार, ऊपर शेड है, बारिश वगैरह आएगी तो काम इजी होगा, बारिश वगैरह इनके ऊपर नहीं आएगी। आगे कपड़ा ऐसे लगा देंगे, ये काम ज़्यादा इजी हो जाएगा। सिर्फ हमने दरवाजे लगाने हैं, दरवाजे इनके मतलब होल वगैरह तो हुए हुए हैं, जो कि आप लोगों को पता है, ये देखें ये होल हुए हुए हैं, सिर्फ यहाँ पे हमने दरवाजे बना के लगाने हैं, इनका काम सेट हो जाएगा। ये माशाल्लाह यहाँ पे रहेंगे, और उस जगह पे भी हमने कोई बच्चे ला के रखने हैं। हम दोनों को तो अंदर बंद कर दिया, ये भाई सब अकेले बाहर रह गए हैं। आप अंदर जाना चाह रहे हो, उनके पास जाना चाह रहे हो, हैं? चलो मैं आपको भेजता हूँ, आप एक मिनट इधर रुको। ए, रुक जा, ये भाग गया। अच्छा कोई बात नहीं, इसको बाहर ही रहने देते हैं। ये दोनों को यहाँ पे अंदर छोड़ दिया, पंखा चल रहा है, तुम लोग यहाँ पे रहो, क्योंकि हम खोलने लगे हैं कबूतरों को, इन्होंने बाहर आके उनके साथ पंखे लेने हैं। सबको एक साथ खोल दिया, खोलना तो नहीं था, शाम होने की वजह से एक साथ खोलना पड़ गया। मैंने सोचा था एक पेयर खोलूंगा, दूसरा खोलूंगा, तीसरा खोलूंगा और लास्ट में गियोना और डक्स को एक साथ खोल दूंगा, लेकिन दोस्तों अब एक साथ खोल दिया, क्योंकि मैंने सोचा कम से कम ये बाहर आए, पेट शेट मतलब फुल कर ले, भूखे सारी रात बैठे रहेंगे, इसलिए एक साथ इनको खोल दिया। कल से हमने टाइम पे ऊपर आना, आज तो ज़्यादा टाइम लग गया था कबूतरों को खोलने में और बंद करने में, कल से टाइम पे ऊपर आया करेंगे, एक एक पेड़ को खोला करेंगे, एक पेड़ पहले अच्छे से खाना खाएं, फिर दूसरे को खोलेंगे, फिर तीसरे को खोलेंगे, कल से इनको प्रॉपर टाइम देंगे। आज तो मैं भी बहुत ज़्यादा थका हूँ, क्योंकि कल जब से हम गुजरात से आए हैं तब से सेटिंग करने में बिजी हैं, और साथ इनकी केयर करने में, मतलब इनको खाना छाना, इनकी डाइट देने में भी बिजी हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, और हमारे चैनल ज़ो लाइफ को सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।